दशहरा की कहानी। एक समय की बात है, विशाल हिमालय की तलहटी में बसे अमरपुर नाम के एक छोटे से भारतीय गांव में गर्मजोशी भरे और हंसमुख लोगों का एक समुदाय रहता था। उनके अस्तित्व का केंद्र उनकी सदियों पुरानी परंपराओं और त्योहारों के इर्द गिर्द घूमता है, जिसमें दशहरा सबसे अधिक प्रतीक्षित है। जैसे जैसे चिलचिलाती गर्मी के दिन कम होने लगे, अमरपुर के ग्रामीणों ने दशहरे की तैयारी शुरू कर दी। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक था और इसे बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता था। पूरा गांव ऊर्जा से भर गया, क्योंकि पुरुष, महिलाएं और बच्चे भव्य आयोजन की तैयारी के लिए एक साथ आए। हाथ में पहला काम राक्षस राजा रावण का एक विशाल पुतला बनाना था। युवाओं ने बांस, कपड़ा और पेंट इकट्ठा किया और दिन रात मेहनत करके इस विशाल संरचना का निर्माण किया। उन्होंने रावण के 10 सिरों को जटिल विवरण और चमकीले रंगों से चित्रित किया, जबकि बुजुर्गों ने पूरे ऑपरेशन की निगरानी की। जैसे ही पुतला पूरा होने वाला था, ग्रामीणों ने रामलीला के लिए रिहर्सल का आयोजन किया, जिसमें भगवान राम और रावण पर उनकी विजय की महाकाव्य कहानी का नाटकीय पुनर्मूल्यांकन किया गया। बच्चों ने उत्सुकता से वेशभूषा आजमाई, वयस्कों ने अपनी पंक्तियों का अभ्यास किया और पूरा गांव पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुनों से गूंज उठा। दशहरे से पहले के दिनों में अमरपुर ने खुद को रंगीन रोशनी, फूलों और रंगोली पैटर्न से सजाया, जिसने हर दरवाजे को सजाया। ग्रामीणों ने उपवास किया, प्रार्थना की और अपने समुदाय के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए बड़ी संख्या में मंदिर में उपस्थित हुए। हवा आध्यात्मिकता और उत्साह से भरपूर थी, एकता की भावना उन सभी को एकजुट कर रही थी। आखिरकार वह बहुप्रतीक्षित दिन आ ही गया। सूरज तेज चमक रहा था और हल्की हवा में ताजा खिले गेंदे के फूलों की खुशबू आ रही थी। पूरा गांव मेले के मैदान में एकत्र हुआ, जहां रावण का पुतला भीड़ पर मंडराता हुआ खड़ा था। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, रामलीला शुरू हो गई। टिमटिमाते तेल के दियों के बीच अभिनेताओं ने अस्थाई मंच पर अपना स्थान ग्रहण किया। दर्शक कलाकारों के प्रदर्शन से मंत्रमुग्ध हो गए, क्योंकि उन्होंने इस कालजयी गाथा को सामने देखा। भगवान राम की वीरता, सीता की भक्ति, हनुमान का आकर्षण और रावण की दुष्टता को उनकी आंखों के सामने जीवंत कर दिया गया। प्रत्येक ग्रामीण को पात्रों से गहरा जुड़ाव महसूस हुआ, मानो वे कहानी का हिस्सा हो। जैसे ही रामलीला अपने चरम पर पहुंची, भगवान राम के वेश में एक अभिनेता ने प्रतीकात्मक रूप से रावण के पुतले पर जलता हुआ तीर चलाया। जैसे ही पुतले में आग लगी, भीड़ खुशी से झूम उठी। तेज लपटों ने 10 सिर वाले राक्षस राजा को भस्म कर दिया। जब पुतला जलकर राख हो गया, तो ग्रामीणों ने इसे विजय की भावना से देखा, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक था। रात का आकाश आतिशबाजियों के शानदार प्रदर्शन से जगमगा उठा, जिससे रंगों का ऐसा नजारा देखने को मिला जो विस्मय विमुग्ध बच्चों की आंखों में झलक रहा था। सभी ने मिठाइयां और बधाइयां दी और वातावरण हंसी और खुशी से भर गया। अमरपुर में दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं था, यह गांव की एकता, आस्था और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण था। यह एक ऐसा उत्सव था जिसने पूरे समुदाय को एक साथ ला दिया, पीढ़ीगत अंतराल को पार करते हुए और ऐसा बंधन बनाया जो जीवन भर बना रहेगा। जब ग्रामीण उस रात अपने घरों को लौटे, तो उनके दिल हल्के थे और उनकी आत्मा को शांति मिली, यह जानकर कि उन्होंने न केवल एक त्योहार मनाया है, बल्कि उनमें से प्रत्येक के भीतर मौजूद अच्छाई की स्थायी भावना भी मनाई है।